गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिंग विद ज्योति। तो मैं हूँ ज्योति और आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मिंत्रा टॉप हॉल। तो ये जा रहे जो टॉप है ना, ये मैंने एंड ऑफ रीजन सेल में लिए हुए हैं। थोड़ा लेट हो गया इसलिए वीडियो नहीं बना पाई। तो अभी तो शायद इन टॉप्स के प्राइस भी बढ़ गए होंगे या फिर कुछ के कम हो गए होंगे, तो एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 5-6 टॉप लिए हुए हैं, अभी कुछ टॉप आए भी नहीं है। तो मैंने सोचा जितने भी आए हैं क्यों ना उन्हीं का वीडियो बना लिया जाए। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड गाइज, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आप जो बेल आइकन है उसे एक बार बंद करके फिर से ऑन कर लीजिएगा, हो सकता है इससे आपका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टाइलिंग विद ज्योति, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज, यहाँ पर मैं जितने भी प्रोडक्ट्स आपके साथ में शेयर करूंगी इन सबके जो लिंक होंगे ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। सो गाइज, सबसे पहले जो है वो है ये ग्रे कलर का टॉप जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर में ही प्रिंट्स बने हुए हैं। तो इसका जो मटेरियल है ना वो थोड़ा सा हल्का है, बट बहुत ज़्यादा हल्का नहीं है। ये क्रेप का मटेरियल जो कि बहुत ही अच्छा है। एंड इस पर यहाँ पर आपको स्लीव्स में डिज़ाइन मिल जाएगी, यहाँ पर एक डोरी मिल जाएगी जिससे आप इसकी स्लीव्स को थोड़ा सा ना इसमें एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, इसको खींच के यहाँ पर एक नॉट दे सकते हो। एंड आगे आपको यहाँ पर वी नेक मिल जाएगा कुछ ऐसे, एंड नीचे यहाँ पर आपको पेपलम स्टाइल में ये टॉप मिल जाएगा। तो अगर आपका थोड़ा भी टमी फैट है ना, तो ये पेपलम टॉप जो होते हैं ना ये आपके टमी फैट को छुपा लेते हैं। तो इस तरीके के टॉप जिनके टमी होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसमें मैंने जो साइज़ लिया हुआ है वो मैंने लिया हुआ है एस, क्योंकि इसका एस जो है ना वो मुझे अच्छे से फिट हो गया है। इसका जो ऑल ओवर लुक है ना वो बहुत ही अमेजिंग आता है, तो आप इसे वाइट पैंट के साथ में पहने बहुत स्टाइलिश लगे। सो गाइस, नेक्स्ट जो है वो है ये, आप देख सकते हो थोड़ा सा बिल्कुल लाइट ग्रीन में है ये टॉप। तो ये भी पेपलम टॉप है, बट यहाँ पर कोई भी इलास्टिक वगैरह नहीं मिलेगी, यहाँ पर ये बेल्ट है। इस बेल्ट को आप बांध सकते हो, क्योंकि इसका जो लुक है ना बहुत ही अच्छा आता है। एंड इस पर यहाँ पर आपको पर्फ स्लीव्स मिल जाएगी। इसका जो मटेरियल है ना वो क्रेप का है, एंड इसमें मैंने जो साइज़ लिया हुआ है वो मैंने लिया हुआ है एम साइज़, बट ये मुझे थोड़ा सा लूज़ लगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर हम इसको छोटे साइज में ले लेते हैं ना, तो इसका जो नीचे का ये है तो बिना जिप के ये पहनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो आप एक साइज़ थोड़ा बड़ा मतलब ले सकते हैं मीडियम साइज में, इसका थोड़ा लूज़ फिटिंग भी अच्छी लगेगी एंड इससे पैंट वगैरह के साथ में आप स्टाइल कर सकते हो। सो गाइस, नेक्स्ट जो है वो है ये मरून टॉप। तो वहाँ पर मैंने देखा था ना, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, बट इसका जो मटेरियल है वो रेयन है, तो इसको बहुत ज़्यादा प्रेस वगैरह करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ये श्रिंक हो गया है। एंड ये ना रैप टॉप थोड़ा स्टाइल में आएगा आगे, ये जो बना हुआ है यहाँ पर बैंड, इसको आप रैप करके पहन सकते हो, उसका जो स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की तरफ में इसका जो फिटिंग है वो आपको इसको रैप करने के बाद में ही पता चलेगा। एंड इसके यहाँ पर बस लाइन दी गई है जिससे इसकी फिटिंग जो है ना काफ़ी अच्छी आती है। एंड इसमें मैंने यहाँ इसकी स्लीव्स जो है वो फुल स्लीव्स मिल जाएगी, एंड यहाँ पर आपको ये इलास्टिक मिल जाएगी। तो ये थोड़ा सा ना बलून जो स्लीव्स होती हैं वो वाली स्लीव्स है। एंड आगे इसका नेक जो है वो है वी नेक, एंड इसमें मैंने जो साइज़ लिया हुआ है वो मैंने लिया हुआ है मीडियम साइज़, जो कि इसका साइज़ मुझे ऑल ओवर फिट है एंड काफ़ी अच्छा लगा। तो प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है, बस मुझे रेयन के फैब्रिक जो है ना वो थोड़ा सा कम पसंद आते हैं। तो अगर ये जॉर्जेट या फिर क्रेप कोई और मटेरियल में होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, बाकी इसका जो स्टाइल है ना वो काफ़ी अच्छा है। सो गाइस, नेक्स्ट जो है वो है ये ब्लैक टॉप, ये आप देख सकते हो। आगे यहाँ पर स्क्वायर में नेक मिल जाएगा, एंड यहाँ पर ये इलास्टिक लगी हुई है जिससे इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। जैसे अभी मैंने पहन रखा आप देख सकते हो, तो इसकी भी यहाँ पर इलास्टिक लगी हुई है, तो इससे हमारे शोल्डर पे जो इसकी फिटिंग होती है ना वो बहुत सही आती है। एंड यहाँ पर आपको बटन्स मिल जाएंगे, तो ये बटन्स ऊपर से लगी हुई हैं, ओपन नहीं होंगी। एंड बैक में ये इस तरीके का स्क्वायर नेक है, नीचे ये थोड़ा सा पेपलम काइंड ऑफ बना हुआ है। एंड इसमें आपको एक बेल्ट मिल जाएगी जिसको आप इसमें बांध सकते हो। एंड यहाँ पर ये अगेन बलून स्लीव्स मिल जाएगी, एंड इसमें मैंने जो साइज लिया हुआ है वो मैंने लिया हुआ है एम साइज, एंड इसका जो मटेरियल है वो रेयन है। एंड नेक्स्ट जो मैंने लिया हुआ है वो मैंने लिया हुआ था ये, आप देख सकते हो टैन टॉप। तो ये मैंने लिया था ना मस्टर्ड कलर में था, बट ये थोड़ा सा ग्रीनिश येलो वाला कलर है, ये वो कलर है। बाकी इसकी क्वालिटी जो है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो जैसे कि हम श्रग के साथ में या फिर जैकेट वगैरह के साथ में अंदर पहन सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। एंड इसमें मैंने जो साइज़ लिया हुआ है वो मैंने लिया हुआ है एम साइज, एंड इसका जो प्राइस है वो आई थिंक 200 के समथिंग होगा,
बट हो सकता है अभी प्राइस इसका बढ़ गया हो, तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। सो गाइस, नेक्स्ट जो मैंने टॉप लिया है वो मुझे कुछ खास नहीं लगा, मतलब ठीक ठीक है। ये यहाँ पर ही आप देख सकते हो, यहाँ पर ना थोड़ा सा रफल्स वाले डिजाइन बने हुए हैं एंड यहाँ पर एक कट लगा हुआ है। एंड इसका जो मटेरियल है वो क्रेप है, बट बहुत अच्छा क्रेप नहीं है, ठीक ठीक है। एंड इसके स्लीव्स में मुझे ऐसा लगा था कि जैसे कोई लेस वाली स्लीव्स होती वो होगी, बट ये ना कटवर्क वाली है। ये आप देख सकते हो कुछ ऐसी आएगी ये। एंड इसके बैक पे यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाएगी जिससे आप अपने नेक को एडजस्ट कर सकते हो कुछ ऐसे। एंड इसमें मैंने जो साइज लिया हुआ है वो मैंने लिया हुआ है एम साइज, तो इसकी फिटिंग वगैरह तो काफ़ी अच्छी है, बट इसका जो मटेरियल है वो मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगा। तो अभी आप देख सकते हो इसका जो लुक है ना वो कैसा है। सो गाइस, लास्ट जो है वो है ये ब्लैक कलर का, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये ब्लैक लेस का टॉप है। एक्चुअली मुझे लगा था ना कि इसमें अंदर की स्पैगेटी भी आएगी, बट ये सिर्फ टॉप आया है, तो इसकी ये चीज़ मुझे थोड़ी सी कम अच्छी लगी। बाकी तो इसका जो क्वालिटी वगैरह है वो ठीक है। एंड यहाँ पर इसका जो नेक है ना वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये आप देख सकते हो कुछ ऐसा। एंड इसकी फुल स्लीव्स मिल जाएगी, तो ये पहनने के बाद में काफ़ी अच्छा लगता है ना, जैसे ब्लैक कलर होता है तो नेट के या फिर जो लेसेस वाले कपड़े होते हैं ब्लैक, वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का है, आपको अंदर को स्पैगेटी पहननी पड़ेगी। एंड इसमें मैंने जो साइज लिया हुआ है वो मैंने लिया हुआ है एस, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे से फिट हो गया है। इसकी क्वालिटी, लुक, सारा चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर आप इसे लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसका जो स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा है, बट इसमें हाँ आपको स्पैगेटी अलग से लेनी पड़ेगी एंड प्राइस भी हो सकता है ऊपर नीचे हो गया हो, तो एक बार आपसे जरूर चेकआउट करेगा। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा एंड मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।